नमस्कार दोस्तों, मैं जगशीर सिंह आपका सभी का टीम 360 की तरफ से वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, भी टीम 360 की तरफ से आप लोगों के लिए हर वीक कुछ ना कुछ नया लेके आया जाता है। तो आज हमारे साथ हमारे परिवार में एक और फ्रेंचाइजी ऐड हुई है, जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं, राजू जी और उनके फ्रेंड हैं लक्ष्मण जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा। राजू जी, हाँ जी, सबसे पहले मैं राजू जी का वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में और उनको बधाई का देता हूँ फ्रेंचाइजी के लिए। तो राजू जी, मेरे आपसे तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जब आपने टीम 360 का यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज दो दिन का ट्रेनिंग सेशन आप लोगों का रहा है, तब का एक्सपीरियंस कैसे रहा? जब आप अपने पैलेस पर जाओगे, तब आप इसको कैसे आगे लेके जाओगे? सबसे पहले मैं पवार राजू, मैं एमडी सर, विनीत सर, विपुल सर और टीम 316 का तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है। मैंने ये टीम 316 के बारे में यूट्यूब से के ऊपर से देखा था एक दो बार वीडियो, लेकिन दिल में सोचता था कि क्या पता ये होगा या नहीं होगा। ऐसे में काफ़ी दो तीन महीने से मैं इसको सर्च करता रहा, फॉलो करता रहा, लेकिन एक दिन मेरे दिल में आया कि नहीं, एक बार कॉल करके पूछ ही लेते हैं कि क्या पता क्या हो सकता है। तो मैंने विनीत सर से बात किया, विनीत सर ने मेरे को इसके बारे में DMIT और मिड ब्रेन के बारे में मतलब पूरा डिटेल में समझाया। उसके बाद मैंने विनीत सर से अपॉइंटमेंट लिया। विनीत सर ने पहले तो बोला कि सैटरडे और संडे होता है, लेकिन मेरे के पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं दो दिन पहले का अपना। तो विनीत सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और बोला कि ठीक है, आप आ जाइए। और मैं जिस तरह से सोचा था टीम 316 के बारे में कि इनका सपोर्ट कैसे रहेगा, यहाँ आने के बाद जो दो दिन का हमारा ट्रेनिंग रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और यहाँ का टीम 316 का जो यहाँ पे वर्कशॉप है ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है, और यहाँ पे जो हर मेंबर है टीम 316 का, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमको ट्रेनिंग दिया। और इसके बाद अभी यहाँ से मैं टीम 316 का जो भी है फ्रेंचाइजीज लेके जा रहा हूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में हर घर तक पहुंचाने का और हर बच्चे तक पहुंचाने का मैं थोड़ा जुमा उठाता हूं, और मैं ये पहुंचा के रहूँगा। और मेरे को ये भी है कि ये टीम 360 मेरे को हर वक्त मेरे साथ खड़ी है और हर वक्त मेरे को सपोर्ट करने का ये है। ये मैं टीम 360 का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में मैं आगे लक्ष्मण जी को इन्वाइट करूँगा, वो भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। लक्ष्मण जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं टीम 360 का तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैंने जो सोचा था कि ऐसा आदमी जैसे कुछ पता जैसे एक्सरे हो या ऐसे पता लगाया जाता जैसे बीमारी का, लेकिन यहाँ तो आदमी के बारे में, जो बच्चों के ज़्यादातर स्टूडेंट के बारे में जो स्ट्रेंथ या वीकनेस उनके बारे में पता लगाया जाता है, और जो हमारा जो एरिया है जो है सर, ये रूरल एरिया है, उनको कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि ये सारी बातें मालूम होने से वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट को भी बहुत डेवलप किया जाता सर। और मैं दो दिन का जैसा महसूस किया कि मैं भी कुछ कर पाऊँगा, और जो आपने जो दो दिन का टाइम दिया हम उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आगे हमारी कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जी को बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम डॉक्टर NK शर्मा जी है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। थैंक यू जगजीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी हमारे दर्शकों से रूबरू होने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अवर कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर श्री DD शर्मा जी, हु ऑलवेज थिंक बिग हाउ टू फ्लरिश दिस कंसेप्ट थ्रूआउट द वर्ल्ड, एंड आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द कंसेप्ट व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम, एंड ड्यूरिंग द सेमिनार इन माई स्कूल I saw Vinit sir, Vipul sir and one child, and they explained the concept, and I was surprised with the demo. The child could read the things blindfolded, read the message of the mobile, read the visiting card, identify the colors and all that. Later on there was a class in my school, 12 classes were conducted, and each and every class I monitor minutely. Then I was so influenced that I had decided to associate myself with this organization. And for last 4 years I have been associated, and really this is a nice wonderful concept. Through this concept we can identify the hidden talents of the children, then we can guide the parents and the educators
हाउ टू प्रॉपरली टीच ए चाइल्ड सो दैट विदाउट एनी प्रेशर विदाउट एनी स्ट्रेस चाइल्ड कैन स्टडी वेरी वेल. एंड नाउ डेज वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर लॉट ऑफ सुसाइड मैटर्स इवन द क्लास 9-10 चिल्ड्रन आर आल्सो कमिटिंग सुसाइड. सो इफ थ्रू DMIT रिपोर्ट वी कम टू नो वॉट स्पेशल टैलेंट्स आर हिडन इन द चाइल्ड एंड अकॉर्डिंगली वी टीच दैम सर्टेनली दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी वेरी मच इजिली रिमूव्ड. एंड देर हैड बीन ए स्टडी इन जापान अराउंड 25 ईयर्स बैक वैन द चिल्ड्रन अटेंडेड द मिड बेन एक्टिवेशन क्लासेज. नाउ आफ्टर 20 years, all of them have become multi-millionaire. So in this way, we can certainly tap the hidden sources of our country. This is the best way of human resource management, which our government is very much trying to upgrade our knowledge at world level. And I wish that all the parents and teachers, those who are watching this program, especially school directors and principals, they must encourage their children to undergo the DMIT course so that each and every child is benefited, just like the children, more than 250 children of my school has been benefited. Thank you. डॉक्टर एन के शर्मा सर जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी चीज़ें बताई. इसी क्रम में मैं आगे हमारी कंपनी के सेल्स जनरल मैनेजर मैं मंजू जी को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे दर्शकों को बताएंगे भी आफ्टर सेल सर्विस में हमारी कंपनी जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं. मैं मंजू. थैंक यू जगसीर जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आईवी आज की फ्रेंचाइजी को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है और पूरी तरह से वो रेडी है अपने प्लेस पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए लाभान्वित करने के लिए. जैसा कि इन लोगों ने तो राजू जी ने और लक्ष्मण जी ने तो बहुत अच्छे से ये DMIT सीखा ही, लेकिन इनके साथ एक बच्चा आया हुआ है नक्षत्र, जिसने बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझी है, DMIT के बारे में काफ़ी नॉलेज दिया है, जितने भी तरह के फिंगरप्रिंट्स थे इनके फादर से ज़्यादा जो है उन्होंने बताए हैं. पूरी रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट में जो है पैटर्न कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट बताई है और करेक्ट बताई है. एक बार फादर के मन में डाउट था कि शायद ये दूसरा पैटर्न हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्लियर कहा कि ये पैटर्न वही है और वो सही भी था. तो पहले तो मैं नक्षत्र को कहना चाहूँगी कि अगर फादर की आप इस बिज़नेस में हेल्प करते हो तो बहुत अच्छी बात है. वर्कशॉप भी बहुत अच्छा इन्होंने अटेंड किया. जैसे कि 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन उन्होंने लिया, अभी इन्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही है, रिपोर्ट भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब ये वर्क स्टार्ट करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, तो इन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है कि आप 2 दिन के अंदर एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते. ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो. जब तक आप सब्जेक्ट पर जो है कमांड नहीं रखोगे, तब तक आप किसी और व्यक्ति को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इससे रिलेटेड जो है आपको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे हमारी कंपनी जो है हमारी फ्रेंचाइजियों को अलग अलग तरह से जो है सपोर्ट देती है. किसी को टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि लैपटॉप चलाने में दिक्कत है, सॉफ्टवेयर कैसे ऑन होता है, चीज़ें प्रोसेस भूल जाते हैं प्रॉपर, इनको वीडियोस मिले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये वर्क करते हैं स्टार्ट तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. फिंगरप्रिंट का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्ट जनरेट करना नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके या रिपोर्ट जो है मेल कर सकते हो, हमारी तरफ से रिपोर्ट जनरेट करके दे दी जाएगी. काउंसलिंग से रिलेटेड किसी तरह का इशू है तो काउंसलिंग में भी हमारी तरफ से ऑडियो बना के आपका भेज दिया जाएगा. लेकिन ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से जाके कम से कम 10 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लीजिए, उसके रिपोर्ट की काउंसलिंग कीजिए, तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी व्यक्ति को DMIT एक्सप्लेन कर सकते हो. तो टेक्निकल इश्यूज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड चैलेंज क्या आता है, जब आप मार्केट में उतरते हो, स्कूल सेमिनार के लिए अप्रोच करते हो स्कूल्स के डायरेक्टर्स को, तो उस टाइम मन में काफ़ी झिझक होती है कि डायरेक्टर को किस तरह से अपॉइंटमेंट के लिए कन्विंस करना है. तो इससे रिलेटेड आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आता है तो कॉल्स पे तो आप बात कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि टीम वहां आके आपको सपोर्ट करे, तो इस तरह का सपोर्ट भी टीम 360 की तरफ से आपको दिया जाता है कि आप अपने प्लेस पे जाके स्कूल्स में अपॉइंटमेंट की डेट ले लीजिए, फिर आप हमें कॉल कीजिए. हमारी तरफ से हम जो है ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं, डेमो के लिए बच्चा प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके प्लेस पे आके आपके साथ में मिलके सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, एडमिशंस में आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है उसमें हमारे टीम मेंबर्स आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं.
इसके अलावा भी जो है आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आता है, जैसे बच्चों की वर्कशॉप करा रहे हो, रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दोबारा से ले सकते हैं, या फिर हमारे ट्रेनर्स को जो है वहाँ पे बुला के प्रॉपर जो है वापस से प्रोग्राम को समझ सकते हो, वर्कशॉप जो है करवा सकते हो। सारी चीज़ें करने में हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। बस आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से जाके इस चीज़ को 2-3 दिन के लिए छोड़िए मत कि ठीक है बाद में देख लेंगे, क्योंकि बाद में अगर आप देखोगे तो माइंड से काफ़ी चीज़ें निकल जाएगी। तो यहाँ से ज़्यादा लोगों का चाहे फ्री में ही आप DMIT टेस्ट करो, लेकिन करो और उसकी काउंसलिंग करो, उससे आपको नॉलेज होगा कि आप जो है कितना आपने सीखा, किस तरह से डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हो, काफ़ी मार्केटिंग से रिलेटेड जो है आपके डाउट्स क्लियर होंगे। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपके हाथ में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए आप लाभान्वित कर सकते हो, तो आप अपने प्लेस पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के लिए, उनके करियर के लिए जो है उनको सजेस्ट कीजिए, ताकि जो है जिन पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि मेरे बच्चे को किस फील्ड में डालना चाहिए, क्या वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा या फिर गलत फील्ड में तो नहीं है, तो उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के फ्यूचर जो है आपके हाथ में है, तो आप उनको जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू मैम, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा DMIT के बारे में और मिडब्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार और फिर से महाराष्ट्र से आए हुए हमारी फ्रेंचाइजी को वेलकम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और इसी क्रम में मैं हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा भी आने वाले कुछ दिनों में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।